दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे कू ऐप से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी बिना इन्वेस्ट किए, तो दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कू ऐप के बारे में फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला कि कैसे आप इसमें सेल्फ अर्निंग और रिफर करके इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कू। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं, आपके सामने ऐप आ जाता है, आपको इसे इंस्टॉल करना है, देन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जारी रखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे डालना है और आगे बढ़े यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद अपनी प्रोफाइल लगा देना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टॉपिक्स, किस टॉपिक्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, जिसमें यहाँ पे देखिए कू पर पैसे कमाए यहाँ पे जो है सेकेंड चल रहे हैं और यहाँ पे जो है 100 क्वाइंस यहाँ पे हमें मिलेंगी। कू ऐप को 10 मिनट यूज़ करने पर हमें यहाँ पे 100 क्वाइन मिलेंगी। 100 क्वाइन मतलब कि 1 रुपए। तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिर्फ कू ऐप को यहाँ पे आपको यूज़ करना है 10 मिनट तक के डेली, आपको 10-10 मिनट इसको यूज़ करना है और आपकी क्वाइंस यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 10 मिनट यूज़ करा है और यहाँ पे 100 क्वाइन मिल चुकी हैं, मतलब कि 1 रुपए। तो आपको यहाँ पे डेली जो है क्वाइन आपकी यहाँ पे बढ़ती जाएंगी, कि पहले दिन 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ऐसी हफ्ते में बढ़ती जाएंगी। तो आप सिंपल तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे पैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।